दीनदयाल उपाध्याय जी का जो के पुण्यतिथि पे जो आज दूसरा व्याख्यान होना है वह भी दीनदयाल उपाध्याय जी की चिंतन के प्रतिबिंब के रूप में होना है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने दो अपने जीवन काल में उपन्यास लिखी थी, एक सम्राट चंद्रगुप्त और दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य। हम सभी यहाँ इस सभागार में उपस्थित सदस्य यह जानते हैं कि जिस तरीके से सम्राट चंद्रगुप्त ने भारत को राजनीतिक एकता दिया, तो वही आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चार कोनों में मठों की स्थापना करके भारत में सांस्कृतिक एकता का संस्कार किया था। आज भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पे उसके विषय के गूढ़ रहस्य इतिहास और आज किस तरीके से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, इस विषय पे बोलने के लिए व्याख्यान के लिए हम सभी के आदरणीय श्रेष्ठ और मैं फिर से वही कहूंगा चलते फिरते हम सभी के लाइब्रेरी आदरणीय श्री राजाशीष जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो आए, उनका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। आज का जो विषय है निश्चित तौर से यह विषय बहुत ध्यान चाहता है और आप इस पर थोड़ा ध्यान रख करके जो बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आप उसको सुनेंगे। आज का जो विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये केवल दीनदयाल चेयर और कभी कभी कुछ लोग ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब चर्चा करते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं होती है। और कारण इसका यह है कि उस समय तुलसीदास ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि गिरा नयन नयन बिनु वाणी, जो हमारी गिरा है वर्णन करने वाली है उसके पास ये आँखें नहीं हैं, जो वर्णन करता है उसके पास आँखें नहीं हैं और जिनके पास आँखें हैं जो देख सके उसके पास वो गिरा नहीं है, वर्णन करने के लिए क्षमता नहीं है, उसके पास जिह्वा नहीं है। जो विषय राजनीति शास्त्र का है उसके पास संस्कृति की दृष्टि नहीं है भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि आज हमारे देश की जो राजनीति शास्त्र की पढ़ाई होती है वो भारत की संस्कृति से बहुत ही दूर है, क्योंकि वो राज्य की चर्चा करता है, राज्य का चिंतन करता है, भारतीय संस्कृति की चर्चा वहाँ पर नहीं रहती है, भारतीय संस्कृति की आँखें उसको उपलब्ध नहीं हो सकें। और ये भी है कि भारत की संस्कृति जिसका अधिष्ठान इस देश के अंदर हम राष्ट्र को मानते हैं उसका राजनीति से इस देश के अंदर बहुत कम लेना देना था, और इसीलिए ये बातें बहुत साफ स्पष्ट तौर से हमारे यहाँ समझ में नहीं आ पाती। और इसीलिए आज जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं चर्चा करते हैं तो सामान्य तौर से भी मैं गया था रांची यूनिवर्सिटी में, एक वहाँ रिफ्रेशर कोर्स था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र के हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक पुस्तक मुझे भेंट की। उस पुस्तक में ही उन्होंने और ये चर्चा किया है कि भारतवर्ष का जो दीनदयाल जी उपाध्याय का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है मैं उस पर एक पुस्तक लिखा हूँ, लेकिन कंसेप्ट कहाँ से शुरू किया, दीनदयाल जी की चर्चा जहाँ चलती है उसको तो छू भी नहीं पाए पुस्तक के अंदर। वो उनकी गलती नहीं है, उनकी त्रुटि नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर जो चिंतन की धारा चली है उसमें से वो उन्होंने लिखा है, उसके अतिरिक्त उन्होंने पढ़ा नहीं। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों के बाद इस देश के अंदर राष्ट्र की कंसेप्ट क्रिएट हुई है। मैं यहाँ पर क्योंकि राजनीति शास्त्र के बड़े प्रकांड विद्वान बैठे हैं, वर्चिति और विराट की चर्चा चल रही थी तो राम प्रवेश जी ये पाठक ने कहा था चिति और विराट की कल्पना क्यों 300 साल पहले धर आई है क्या, क्योंकि अंग्रेजों ने के माध्यम से इस देश के अंदर राष्ट्र की कल्पना आई, भारतवर्ष के अंदर ये संपूर्ण विद्वानों की यही बिल्कुल जानकारी है कि 300 वर्षों पहले 400 वर्षों पहले अंग्रेजों के कारण यहाँ पर वो राष्ट्रवाद की चर्चा या राष्ट्र की चर्चा इस देश के अंदर प्रारंभ हुई और अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ की, प्रशासन दिया उन्होंने। ये सही है क्या, इस देश के अंदर आपने विचार किया है क्या, जिस समय कॉमन हाउस में उन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था तो उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष के अंदर 75% हिंदू हैं, इनके साथ मुसलमान इस देश का नहीं रह सकता, इसलिए दोनों देश को विभाजित करो, हमारे देश को एकता का सूत्र, हमारे देश के अंदर एकात्मता का सूत्र, हमारे भारतवर्ष को एक सूत्र में अनुस्यूत करने का कार्य अंग्रेजों ने किया है क्या। इस देश का विद्वान एक तरफ तो कहता है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों ने तोड़ने का कार्य किया, विभाजित करके इस देश पर शासन करने का काम किया, एक तरफ तो हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इस देश के अंदर
प्रशासन, इस देश को एकता, इस देश के अंदर राष्ट्र की कंसेप्ट हमको अंग्रेजों से प्राप्त हुई, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अब हम जब विचार करते हैं कि ये राष्ट्र जो शब्द है ये कौन सी, इसकी संज्ञा क्या है आखिरकार? पश्चिम के अंदर जो नेशन है, भारत का राष्ट्र जब कहते हैं तो वही है क्या? पश्चिम के नेशन की कल्पना, उसका अधिष्ठान, उसकी पृष्ठभूमि और उसकी पीठिका संस्कृति तो नहीं है, वो राज्य है और राजनीति है वहाँ पर। तो स्वाभाविक तरीके से जहाँ राजनीति है तो राजनीतिक जो दृष्टि से राष्ट्र पैदा हुए, नेशन स्टेट पैदा हुए, तो जब पश्चिम के दृष्टि से विचार करते हैं तो वहाँ बड़ा नकारात्मक इसके प्रति भाव रहता है। पश्चिम ने कहा है कि राज्य और राज्य नेशन स्टेट, नेशन स्टेट दुनिया को अशांति दी है, दुनिया को युद्ध दिया है, मानवता को संतरस्त किया है, मानवता को सुख नहीं दिया है स्टेट नेशन ने। उनके यहाँ बहुत नेगेटिविज्म इसके प्रति है। वो कहते हैं कि, और आज हम देखते भी हैं कि नेशन स्टेट ने दुनिया को क्या दिया? नेशन स्टेट ने दुनिया को अशांति इसलिए दी कि हम कहते हैं वहाँ पर कि दुनिया को उन्होंने युद्ध दिए हैं, युद्ध के बाद उन्हें साम्राज्यवाद की कल्पना आई, उपनिवेशवाद की कल्पना आई, पूरे विश्व के अंदर कॉलोनिज्म, उन्होंने कॉलोनियल एक एटीट्यूड स्थापित किया। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे फेज में, तीसरा फेज उनका चला तो वो बिल्कुल शीत युद्ध दुनिया को दिया उन्होंने। आज चौथे फेज में हम चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है भारतवर्ष के अंदर, दुनिया के अंदर चल रही है। ये नेशन स्टेट की देन है, कॉलोनियल माइंडसेट दुनिया के अंदर पैदा करना, साम्राज्य की बात करना, दुनिया के अंदर ये अशांति के लिए युद्ध पैदा करना। और आज ग्लोबलाइजेशन की स्थिति हो गई तो आप देखेंगे दक्षिण के अंदर कैसी स्थिति हो गई, उन्होंने क्या कर दिया है वहाँ पश्चिम के अंदर कि सारे युद्ध के शस्त्र वहाँ पर बनने लगे हैं। चीन और भारत का युद्ध हो, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो, ईरान और इराक का युद्ध हो, पैलेस्टाइन का और यहूदियों का युद्ध हो, कहाँ से जाएगा शस्त्र? तो वहाँ से जाएगा। तो नेशन स्टेट के प्रति उनकी धारणा बड़ी ख़राब होगी, कहा कि ये बिल्कुल बहुत है, दुनिया को युद्ध में झोंकने वाला एक कंसेप्ट है, क्योंकि राज्य है तो सत्ता चाहिए, सत्ता है तो शक्ति चाहिए, शक्ति संवर्धन के लिए ये सारे कुकर्म उन्होंने किए हैं दुनिया के अंदर। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो राष्ट्र बना है कोई राजनीतिक पुरुष ने नहीं बनाया है। और इसे देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर हमारा जो राष्ट्र है वो लोक में भी व्याप्त है, हमारे यहाँ शास्त्र में भी व्याप्त है। अब शास्त्र में हमारे देश का कोई राजनीतिज्ञ, भारतवर्ष के अंदर पहली बार एक व्यक्ति है, इस देश के अंदर आक्रमण भी जब पश्चिम का हुआ तो उस समय तक हमारी सीमाओं पर कहीं भी भारत की सेना नहीं रहती थी। आप ध्यान देंगे कहीं भी कभी हमारे देश के अंदर प्राचीन काल में कोई सेना नहीं थी, भारत और चीन के बॉर्डर पर कोई सेना थी ही नहीं। 1947 पहले कभी सेना नहीं थी, या भारत के प्राचीन देश में भी, प्राचीन राष्ट्र में कभी सेना नहीं रही। हमारे यहाँ भारत और इराक के, ये ईरान के बॉर्डर पर कहीं कोई सेना नहीं थी। पहली बार जब आक्रमण चाणक्य इस पर, इस देश पर हुआ सिकंदर का, वो सेना लेकर के आया, भारत के पास कोई भारत की सेना नाम की चीज़ नहीं थी। इस देश के अंदर पहला व्यक्ति था, केवल आचार्य था नहीं, वो योद्धा भी था, चाणक्य खड़ा हुए और अपने स्वयं गए हैं वहाँ सीमा पर। तब उस समय कल्पना आई कि इस देश के अंदर सेना भी रहनी चाहिए, भारतवर्ष को संगठित किया और राज्य की कल्पना उन्होंने दी है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो राष्ट्र बना, पश्चिम में जो राष्ट्र बने, वैसे राष्ट्र यहाँ नहीं बने। उन्होंने तो कहा भी है कि भाई राष्ट्र तो हमेशा युद्ध में जीवित रहते हैं, जहाँ शांति आती है तो राष्ट्र मरने लगते हैं, युद्ध में जहाँ राष्ट्र उनके जीवित रहे तो सदैव युद्ध की पिपासा वहाँ बनी रहेगी। लेकिन भारतवर्ष के अंदर कितना, बिल्कुल हमारे जैसे चर्चा चली, उन्होंने कहा संजय जी ने कि कोई एक ऐसा व्यक्ति स्वामी रहा होगा भारतवर्ष के अंदर, कल्पना कहा है कि ईश्वर है, तो ईश्वर ने कहा कि मैं तो अकेले हूँ, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ लेकिन अनेक हो जाऊँ, उसमें से बिल्कुल ये उत्क्रांति होती है, यानी विराट से उत्क्रांति होती है। तो कहाँ तो ये हमारे देश का अथर्वेद का ऋषि कहता है, वो कहता है कि सा उत्क्रामत सा गर्भपत्य अनक्रामत, विराट से उत्क्रांति हुई परिवार के रूप में। व्यक्ति तो अकेला ही था, परिवार जब बना तो परिवार बना तो अपने लोकल लोगों ने विचार करना शुरू किया कि भाई हमको करना क्या है, कुछ करना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए। तो फिर एक साथ एकत्रित होना, कुछ विचार करना, कुछ यज्ञ करना, समाज का कार्य करना, उसमें से बिल्कुल तो सा उत्क्रामत सा अहवनीय न्यक्रामत, उसमें से एक अहवनीय संस्था पैदा होती है, वो गृहस्थ जीवन से, परिवार से निकल करके यह बिल्कुल व्यवस्था बनती है। फिर उनको ऐसा लगा कि भाई इसमें से कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सा उत्क्रामत सा सभायाम नक्रामत, उसमें से सभा निर्मित हुई
और जब सभा निर्मित हुई तो आज हम किसी व्यक्ति को सभ्य कहते हैं, उस समय तो सभ्य उसको कहते थे जो सभा के सदस्य हुआ करते थे, उनको हम सभ्य बोलते थे। वहाँ तो बिल्कुल कोई अच्छी भाषा बोल दे, कपड़ा बढ़िया पहन ले, सूट उट पहन ले, तो बिल्कुल उसको हम सभ्य मानने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर उसको कहा कि जो सभ्य वही व्यक्ति है जो सभा में जाएगा। लेकिन सभा के बाद राष्ट्रीय समिति की स्थापना होती है और राष्ट्रीय समिति में से वो राज्य की स्थापना होती है, और इसलिए हमारे देश के अंदर जो राज्य बने, अब हमको चर्चा चलते हुए इस देश के अंदर प्रशासन की व्यवस्था उन्होंने दिया क्या? भारतवर्ष के अंदर संकल्पकर्ता व्यक्ति गांव का व्यक्ति जानता है, सब विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं। भारतवर्ष के अंदर कितनी पद्धतियाँ थीं, स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ट्यम राज्यम, ये सारे बिल्कुल राज्य की इस देश के अंदर प्रशासन की सब पद्धतियाँ इस देश के अंदर हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग एक शासन की पद्धतियाँ थीं, ये सारी व्यवस्था हमारे देश के अंदर थी। महाराज्यम आधिपत्यम एवं सामंत पर्यायी स्यात् सार्वभौमम सार्वयाशु अंतादा परार्धात पृथ्वी समुद्र पर्यंता एक राष्ट्रीति। भारतवर्ष का ऋषि इस पृथ्वी को भारत हमारे वहाँ पर उन्होंने राज्य को माना कि राष्ट्र के निर्माण का बिल्कुल वो राज्य है, वो राज्य निर्माण करता उसका राष्ट्र का। क्योंकि आज देखेंगे आप यूरोप में जाएंगे तो पहले यूगोस्लाविया था, चेकोस्लाविया था, आज क्या दिखाई नहीं देता है। आप किसी वहाँ के लोगों से पूछे भाई तुम कौन से, तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है, तो स्लोव लोग कहेंगे मैं स्लोवाक हूँ। मैं हमारी राष्ट्रीयता बदल गई उनकी बिल्कुल, जो पहले डेनमार्क में थे जर्मनी का हिस्सा चला गया तो वो कहते हैं पूछेंगे कि भाई आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो मेरी जर्मन राष्ट्रीयता है। कल वो डेनमार्क में था जर्मन में चला गया, राष्ट्रीयता ऐसे बदलती है क्या? 1947 के पहले जो बच्चा पैदा हुआ थोड़ा बढ़ा तो बिल्कुल उसकी राष्ट्रीयता केवल एक इंच उस पार चला गया पाकिस्तान में, तो उसकी राष्ट्रीयता बदल गई, पाकिस्तानी बन गया। और ठीक 1971 में थोड़ा बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो इसका एक देश बना दिया, राज्य बना दिया, वो बिल्कुल बांग्लादेशी राष्ट्रीय, उसकी राष्ट्रीयता बदल गई क्या? तो ये प्रश्न मन के अंदर आता है कि राष्ट्र जो शब्द है कोई बिल्कुल एनार्की वाला शब्द है क्या, संज्ञा है क्या, अराजक शब्द है क्या, कि इसके पीछे और कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान है? राज्य कुल ऐसे ही बनते हैं क्या? आज तो बिल्कुल हम देखते हैं कि यहूदियों का और फिलिस्तीनियन का संघर्ष चल रहा है, खूब झगड़ा चल रहा है, पूरा इसराइल और वहाँ का चल रहा है, रोज़ रोज़ वहाँ पर बिल्कुल शताब्दी, ये बिल्कुल एक शताब्दी के अंदर राष्ट्रों की संख्या बदलती बिगड़ती रहती है वहाँ पर। बिल्कुल कितने राष्ट्र खत्म हो जाते हैं, कितने राष्ट्र बन जाते हैं, और राष्ट्र बनाने का सर्टिफिकेट देने की ताकत किसके अंदर है? इवनों के अंदर है। उनके बिल्कुल सर्टिफिकेट से कोई राष्ट्र बनता है क्या? उनके सर्टिफिकेट से राष्ट्र खत्म होता है क्या? उन्होंने एक अपनी पद्धति बनाई, और इसलिए इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो भी राष्ट्र भी नहीं है, सब बिल्कुल मर्केंटाइल वहाँ कंपनियाँ थी अमेरिका के अंदर जिसमें बना हो बिल्कुल ये सारी कंपनियाँ, वो कोई बिल्कुल फ्लोरिडा की कंपनी रही होगी, कोई बिल्कुल कैलिफोर्निया की रही होगी, सारी कंपनियाँ थी। उन्होंने एक होल्डिंग बनाई अपनी और फिर उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्र की कंसेप्ट वहाँ पर नहीं बनी। आज शक्तिशाली हैं तो एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो टूटेगा बिखरेगा तो रूस की तरह उनकी भी स्थिति हो जाएगी। भारत की स्थिति ऐसी नहीं रही। हमारे देश के अंदर कहा है कि भाई ये राष्ट्र बना कैसे, देश तो बिल्कुल बिखरा हुआ था, तो कहा कि ये देश वैसे ही बिखरा हुआ था, ये हाँकने जैसे गाय को हाँकने के लिए लाठियाँ दुबली पतली रहती, वैसे ही समाज भर दुबला पतला हो गया था। वशिष्ठ ऋषि ने संपूर्ण समाज को अपने तेज और बल से संगठित किया है, और इसलिए इस देश की निर्मिति के पीछे ऋषियों का तप है। अथर्वेद का ऋषि कहता है कि भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा उपसे दुरंग्रे ततो राष्ट्रम बलमुजश्च जातम तदस्मै देवा उपसमनं नमन्ते। ये 1947 में हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी आर द नेशन इन द मेकिंग। ये भारत 1947 में बना क्या? इस देश की इतनी प्राचीन परंपरा, इस देश का इतना लंबा इतिहास, लाखों वर्ष पुराना है देश है। भारतवर्ष का ऋषि कहता है हम राष्ट्रीय संघ मनी बसुनाम, राष्ट्र की कितनी कल्पना है, पूरे आप ऋग्वेद से लेकर के अथर्वेद का पूरा अध्ययन करिए, 80 से 85 बार राष्ट्र के शब्द आए हैं। भारत का ऋषि, भारत का विद्वान, भारत की परंपरा राष्ट्र शब्द से अपरिचित नहीं है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। भारतवर्ष के अंदर राष्ट्र, अब वो चर्चा करते हैं कि वियना में एक बार चर्चा चली भी राष्ट्र की, अरे वहाँ तो द्वितीय विश्व युद्ध तक राष्ट्र की कोई कंसेप्ट नहीं थी, वहाँ तो बिल्कुल फ्रांस के राजा के फॉलोअर होते थे, ब्रिटेन की रानी के फॉलोअर होते थे, ऐसी स्थिति उनकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध तक, विश्व युद्ध नहीं कहेंगे, महायुद्ध ही कहेंगे, उसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व नहीं था, वहाँ पर तो स्थिति उनकी ऐसी थी, वो फ्रेंच ऑफ, ये बिल्कुल किंग ऑफ
फ्रेंच कहलाता था, क्वीन ऑफ इंग्लिश कहलाती थी, रेस की का बोध था उनका, नेशन का बोध तो उसके बाद पैदा होता है भारतवर्ष के अंदर। तो राष्ट्र बड़ा प्राचीन कंसेप्ट, इस बात को समझना चाहिए। अब ये ध्यान में रखना चाहिए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब चर्चा करते हैं तो बहुत, एक दीनदयाल जी ने चिति और विराट की बात कही है। चिति क्या है? विवेकानंद ने भी अपने भाषण में कहा है कि जैसे मनुष्य के जीवन का अपना उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य लेकर के चलता है। ईश्वर ने जब पैदा किया तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, मोटो से होता है उसको लेकर के चलता है। वैसे ही राष्ट्र भी एक अपना उद्देश्य लेकर के चलता है, उसके लिए ईश्वर ने नियति ने निर्दिष्ट किया है उसका दायित्व। अब हमको वैश्विक स्वर में किस स्वर को स्वीकार करना है, विवेकानंद कहते हैं कि हमें किस स्वर को स्वीकार करना है ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भारत का दायित्व, भारत का ये दायित्व किससे निश्चित होता है? तो भारत की आत्मा से, जिसको दीनदयाल जी ने चिति कहा है। आज भी हम जब बच्चों से कहते हैं तुम्हारा इस बात में चित्त नहीं लगता है, पढ़ने में चित्त नहीं लगता है, तुम्हारा काम किसी में चित्त में नहीं लगता है, खेलने में कोई चित्त लगता है, यानी जो भीतर हमारे है वो कहीं ना कहीं वो अपने को पहचानने की भाव जो आत्मा है उसको इस देश के अंदर को चिति कहा। विराट किसको कहा? वो अव्यक्त कैसे होगा? आत्मा यदि है तो अव्यक्त होने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए उसको एक शरीर चाहिए। तो कोई भी देश जब तक बिल्कुल समाज संगठित नहीं होगा, समाज अपने शरीर को सौष्ठव उसको नहीं प्रदान करेगा, समाज को शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो कभी भी उसका बिल्कुल आत्मा तो बिल्कुल कमजोरी रह जाएगी। शरीर यदि उसका ठीक नहीं रहा तो अर्जुन जैसा व्यक्ति 11 अध्याय तक कृष्ण समझा रहे हैं उसको कि ये करो वो करो, जितना भी उनके मन के अंदर प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही उन्होंने वो उत्तर दिए हैं, लेकिन समझ तो नहीं पाते हैं। अंत में उनको विराट का दर्शन करना पड़ा है, और जब तक विराट का दर्शन किसी समाज को नहीं होता है तो समाज मूर्छा में बिल्कुल पड़ा रहता है। आज हमारा समाज मूर्छित है, इसी कारण किसी चीज़ की बहुत सरीस तरीके से व्याख्या हम कर नहीं पाते हैं। और भारतवर्ष के अंदर जब राष्ट्र की कल्पना आती है तो ग्रीक विद्वानों ने जो राष्ट्र का अनुमान लगाया है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रमाण नहीं मिलेगा, सब इतिहास के विद्वान लोग बैठे हैं, ग्रीक विद्वानों ने केवल अनुमान के ऊपर राष्ट्र की चर्चा की है, और अब भी वहाँ पर भी कोई बिल्कुल राष्ट्र का कोई एक मत नहीं है। रूजवेल्ट जैसा व्यक्ति अलग कुछ कहता है, हिटलर ने राष्ट्र की परिभाषा कुछ अलग दे दी। दुनिया के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर कि मेजनी की राष्ट्र की परिभाषा अलग है, अब नई नई परिभाषाएँ वहाँ पर पैदा हो गई, और प्रत्येक राष्ट्र के विद्वानों की परिभाषा से दूसरे राष्ट्र का विद्वान कोई बिल्कुल सहमत ही नहीं है, कोई उससे सहमत नहीं है। और इसीलिए वहाँ पर भी लोग जरा आत्मीयता की बात, अपनी भूमि की बात करने लगे। और रूजवेल्ट ने बहुत मजाक में कहा था कि हम अपने देश को जितना प्राप्त ये प्यार करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीयतावाद की चर्चा लोगों ने किया तो राष्ट्र की कंसेप्ट वहाँ पर बहुत सारी आ गई। तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद, पूरी दुनिया को ऐसे ही प्यार करो जैसे तुम अपने देश को करते हो, ये संभव है क्या? ये तो ऐसा ही कहना हो जाएगा कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी पत्नी को जितना प्यार करता हूँ उतना दूसरी की पत्नी को भी प्यार करता हूँ। रूजवेल्ट ने मजाक में कहा था, ये कैसे संभव हो सकता है? भाई हमारा देश है, हम अपना स्व का जो बोध जिससे लगाव हमारा है हम उससे ज़्यादा जुड़े रहेंगे, तो पराये देश के प्रति हमारे मन के अंदर उतना भाव नहीं रहता। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो हमारी संस्कृति है, अब इसको थोड़ा सा समझें, भारतवर्ष की संस्कृति षड मातृका तक विस्तृत है। इस देश के ऋषि ने बिल्कुल सोचा होगा षड मातृका का मतलब क्या हुआ, छह माताएं, उन्होंने कहा कि छह माताओं पर इस देश की संस्कृति निर्भर करती है। पहली बात तो कहा कि हमारी धरती माता है, माता भूमि पुत्रों पृथ्वी, इस भारत का ऋषि कहता है, और ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सामान्य जनमानस के अंदर उसको संक्रमित करता है। वो कहता है, बाप बताता है, बेटे को बताता है, माँ बताती है कि बेटा ये धरती माँ है, इस पर पैर रखने से पहले से अनुमति लो कि मैं तुमको पदाक्रांत करना चाहता हूँ, मैं तुम पर चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर खेती करना चाहता हूँ, हे माँ इसलिए पूजा करो पहले। ये बिल्कुल भूमि को मातृका, यानी भूमि मातृका हमारी एक हो गई, ये हमारी माता है। तो कहीं ना कहीं देखा बिल्कुल इसी भूमि के अंदर माता के लक्षण हैं, और इसलिए उसको कहा कि माता भूमि पुत्रम पृथिव्या। और इसलिए भारतवर्ष के राष्ट्र के साथ जो संबंध जुड़ा, एक भूमि तो रहनी चाहिए राष्ट्र के व्यक्ति के लिए, लेकिन केवल भूमि से राष्ट्र नहीं बनेगा, एक मातृवत भूमि चाहिए और संततिवत पुत्रवत संतति चाहिए, समाज चाहिए पुत्रवत, और जो कहे कि ये मेरी माँ है मैं इसका बेटा हूँ। पश्चिम के अंदर जो नेशन पैदा हुआ उसके पीछे मातृभूमि
और ये पितृभूमि का वो कंसेप्ट ही उनके अंदर नहीं है। उन्होंने राज्य को बनाया और राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए उनका नेशन बनता बिगड़ता रहता है। भारतवर्ष के अंदर कहा कि मातृभूमि हमारी है, तो मातृभूमि के साथ देश के अंदर प्रकृति को माँ कहा, इस धरती में से निकला हुआ, इसलिए भारतीय मन कभी भी इस धरती से पैदा होने वाले। हमारे देश के अंदर जब बहुत उन्होंने चर्चा चलाई भारतवर्ष की परंपरा के अंदर, कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है, बिल्कुल, हमने नदी को माँ कहा, पहाड़ों को पिता कहा है, वृक्षों को पिता कहा, क्यों कहा है, बिल्कुल। जिस समय रियो दे जेनेरियो में उस समय पर्यावरण पर चर्चा चल रही थी, हमारे देश के अंदर एक बड़ी अद्भुत महिला थी, वो इंदिरा गांधी वैचारिक दृष्टि से चाहे जो रही हूँ, वो उसमें गई थी। उन्होंने पहले वेद के ही मंत्रों का उच्चारण किया कि तुम यहाँ पर पर्यावरण की चर्चा कर रहे हो, हमारे देश का ऋषि तो प्रारंभ से ही बिल्कुल इस देश के अंदर प्रकृति से जितनी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके संरक्षण की बात करता है, इसलिए हमने कहा कि प्रकृति, उसके अंदर हमने माता का स्वरूप देखा, नदियों के अंदर देखा कि माँ हमारी है, हमने उसको माँ कहा, वृक्षों को हमने पिता कहा है, तो उसको मान लिया। हमने तीसरी मातृका माना स्त्री को, भारतवर्ष के अंदर मान्यता रही स्त्री की, स्त्री विमर्श पर चर्चा चलती है बड़ा, भारतीय दर्शन स्त्री विरोधी। अभी मैं गया था वहाँ प्राचीन यूनिवर्सिटी में, वहाँ था तो मुझे अपर्णा है अंग्रेजी पढ़ाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसने कहा कि जितने लोग आए थे सब वेद को गाली दे रहे थे, उपनिषद को गाली दे रहे थे, भारतवर्ष के अंदर तो चिंता नहीं किया बिल्कुल, भारतवर्ष के अंदर स्त्री मात्र को हमने कभी भोग्या नहीं जाना, स्त्री के अंदर तुमने माता का ही दर्शन किया है। और इसको विवेकानंद ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा, स्त्री का महत्व कितना है, विवेकानंद और भी कुछ बता सकते थे। अमेरिका के अंदर एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है पश्चिम की संस्कृति और भारत की संस्कृति में, उन्होंने कहा कि पश्चिम का नौजवान अपनी माता को छोड़कर दुनिया की नारी मात्र को भोग्या मानता है, और भारत का नौजवान अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया के नारी मात्र में अपनी भगनी अपनी माता का दर्शन करता है। ये इस देश की आत्मा चिंतन रहा है, और इसलिए हमने स्त्री में उस मातृका को देखा, यानी माता बिल्कुल इस देश के अंदर है। मैं कहा कि षड मातृका तक विस्तृत है भारतवर्ष के अंदर, नास्तिका हमारा जो अधिष्ठान है इस पर निर्मित होता है, इस पर बढ़ता है वो बिल्कुल। फिर हमने कहा उसके बाद क्या, तो भारतवर्ष के अंदर हमने गौ को माता कहा है, गीता को माता कहा है, भाषा को माता कहा है, ये सारी चीज़ें हमारे लोक जीवन के अंदर है। भाषा का मतलब जब हम कहते हैं तो बस उसको सीधे व्याकरण के अनुशासन में बांधना शुरू कर देते हैं, भाषा उसको नहीं कहते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे कबीले हैं जो 8 लोगों के 10 लोगों के परिवार हैं, घर हैं, गांव हैं उनके, उनकी एक अपनी भाषा है, उनका कोई शिक्षक नहीं है, उनका कोई टीचर नहीं है, उनका कोई विज्ञान नहीं है, कोई भाषिक अनुशासित वो कोई ये तत्व उनके साथ जुड़ा नहीं है, कोई भाषिक अनुशासन नहीं है वहाँ पर। जर्मनी के आज साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक और भाषा शास्त्री इस बात पर अनुसंधान कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति निश्चेतना में चला जाए, कोई व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए और दुनिया के सारे बिल्कुल उपकरण जो जितनी चिकित्सकीय हैं सब असफल हो जाएं, सारी औषधियां असफल हो जाएं, तो उस मनुष्य के बिल्कुल मूर्छित मनुष्य के कान में केवल उसकी भाषा के शब्द अनवरत डालते रहिए उसकी आँखें खुल जाएंगी, और नहीं खुले तो मान लीजिए कि दुनिया का कोई चिकित्सक अब उसको बचा नहीं सकता है, ये अंतिम औषधि भाषा है। तो भारतवर्ष का व्यक्ति भाषा को भी अपनी माँ माना, और इसलिए इस देश के अंदर षड मातृका जो संस्कृति का अधिष्ठान है उस पर इस देश का इस राष्ट्र का विकास हुआ है। और जब हम चर्चा करते हैं इस देश की चीती की, तो इस देश की चीती हमेशा इस देश की चेतना के साथ जुड़ी रही। आज जब उस चेतना में कहीं ना कहीं दुराव भटकाव भटकन आने के कारण ये सारे विपर्यास पैदा हो रहे हैं। हम जब माता को माँ माने और माता भूमि पृथ्वी पुत्र हम पृथ्व्या जब कहा इस देश का ऋषि इस देश का समाज उसको माना, आज वो संबंध टूट रहे हैं। क्यों? भारत माता की जय बोलना। 1947 के पहले स्वतंत्रता के युद्ध में जितने भी इस देश के नेता रहे हैं सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सनातन संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं। भारतवर्ष के अंदर ये सनातन शब्द है। भारतवर्ष के अंदर शास्त्र जब चलता है तो शास्त्र की बात मत मानिए, भारतवर्ष के अंदर तो हमारे देश के जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने व्यवस्था दी है कि जब शास्त्र विभ्रम पैदा करे, शास्त्र भ्रम पैदा करे, तो शास्त्र प्रमाण नहीं माना जा सकता, लोक प्रमाण माना जाता है। लोक के पास जाओ, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष का धर्म, भारतवर्ष की सारी परंपरा लोक के अंदर सुरक्षित है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हमने लोक को ये सिखाना शुरू कर दिया कि तुमको वंदे मातरम कहने की जरूरत नहीं है, तुमको भारत माता की जय कहने की जरूरत नहीं है। कहाँ से वो सब बिल्कुल इसके कारण भारतवर्ष के अंदर आए।
भारतवर्ष के अंदर तो राज्य बनाए। युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, मैं जानता हूँ कि राम प्रवेश जी पाठक यहाँ पर बैठे हैं, केवल पॉलिटिकल साइंस के विद्वान नहीं है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं वो। उनकी बातें जब आप संस्कृत में बोलें तो श्लोक उनके मुंह से जैसे झरना से जल निकलता है, झरता है, वैसे वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। संस्कृत में उन्होंने अनुसंधान किया है, वो इस पर बहुत अच्छा डाल सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर तो हमने जब कहा कि संस्कृति की चर्चा करो तो हमारी ये संस्कृत वहाँ से शुरू होती है। हमने कभी भी इस देश के अंदर राज्य को अपना महत्वपूर्ण माना ही नहीं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर विवेकानंद ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि बंधुओं तुम इस देश के अंदर अपने धर्म को बचा करके रखो, इस देश की संस्कृति को बचा करके रखो। तो जिस बात को धर्म कहते हैं, पश्चिम के रिलीजन को ही हम कहते हैं, क्या उन्होंने रिलीजन शब्द कहा होगा क्या भाई? वहाँ का रिलीजन तो यही कहता है कि भाई जो मैं कहता हूँ भी संस्कृति है, मैं जो कहता हूँ वही सही है। भारतवर्ष का तो ऋषि कभी भी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, भी संस्कृति, ये ही संस्कृति को कभी हमने स्वीकृति नहीं प्रदान की है, हमने भी संस्कृति कहा है। इस देश की स्थिति रही है तो हमारी संस्कृति वहाँ पर इसलिए बिल्कुल दुनिया के अंदर बढ़ी फैली। हम तो दुनिया के अंदर गए, अभी एक बिल्कुल गए थे, बहुत चमन लाल का नाम आपने सुना होगा, बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने हिंदू अमेरिका करके पुस्तक लिखी है, बड़ा विचित्र है। उन्होंने चर्चा की अपनी पुस्तक में कि अमेरिका में गया तो वहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में गए तो वहाँ उनको एक शिलालेख प्राप्त हुआ, उस शिलालेख पर एक व्यक्ति लिखा हुआ है कि मैं महानाविक वसुलीन 845 में अमेरिका में आया था, और वहाँ पर आया तो वहाँ की संस्कृति बिल्कुल, वहाँ पर वो मंदिर उनको प्राप्त हुआ है, वहाँ पूजा हो रही, आज उत्खनन में सब वो बिल्कुल वो गणेश की मूर्ति और शिव की मूर्तियाँ मिल रही हैं। ये चमनलाल ने लिखा है, कहा कि पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर ये भारतवर्ष के लोग आए, अपनी संस्कृति लेकर के आए, तो ये भारतवर्ष की संस्कृति वहाँ तक गई थी, ये बहुत दूर तक फैली थी भारत की संस्कृति। तो चमनलाल ने हिंदू अमेरिका करके पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक को तो पढ़ना चाहिए सबको। उस पुस्तक की भूमिका आपको आश्चर्य होगा, आपने किसी ने देखा कि नहीं देखा है, उस पुस्तक की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, हिंदू अमेरिका की भूमिका लिखी उन्होंने, चमनलाल जी बहुत भिक्षुक थे, उसको पढ़ना चाहिए। यानी भारत की संस्कृति जब गई तो युद्ध ले करके नहीं गई, यहाँ की संस्कृति गई तो वो हथियार ले करके नहीं गई, शस्त्र ले करके नहीं गई। हमारे देश का ऋषि गया तो क्रीड़वंतम विश्वमार्यम का ये उद्देश्य ले करके गया, श्रेष्ठ बनाना, और इसलिए उसका बोध जब यहाँ भूमि से जुड़ता है तो विश्व तक जाता है, वसुधैव कुटुंबकम तक जाता है, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है। और इसलिए भारतवर्ष की जो चेतना है, जिसकी चर्चा दीनदयाल जी कहते हैं चिति है, वो इस देश की चेतना से हमेशा जुड़ी रही है। कोई भी आप देखेंगे, अभी मैं गया था एक जगह, यहाँ उनको जानने वाले पाठक जी के शिष्य ही होंगे, वो तो बहुत उनको इनको बहुत मानते हैं, वे जितेंद्र जी नाम है, उन्हीं के एक मित्र वहाँ पर दरभंगा यूनिवर्सिटी में, सुरेंद्र जी यहाँ से गए वाइस चांसलर, एक कार्यक्रम था तो उसमें मुझे शिरकत होने का एक सौभाग्य मिल गया था। एक प्रोफेसर ने पूछा कि आप जब ये राष्ट्र की चर्चा करते हैं, और ये राष्ट्र की चर्चा इधर क्यों चर्चा में चली आई? मैं समझता हूँ कि दीनदयाल जी के इस विषय को उठाने के पीछे ये श्याम कार्तिक मिश्र की ये भी बात आ गई होगी। अभी अभी मेघालय के सुप्रीम कोर्ट, ये वहाँ हाई कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने एक फैसला सुनाया है, और उस फैसला के कारण भारतवर्ष के एकेडमिक जगत में बहुत चर्चा शुरू हो गई। उसने कहा था, अभी अभी फैसला में कहा, 1947 में जैसे ही बिल्कुल भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया, भारतवर्ष को हिंदू नेशन के नाते घोषित करना चाहिए था, उसने कहा है। वो उनका सुदीप रंजन सेन उनका नाम है, बड़ी चर्चा चली, कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया है। आशुतोष राणा की इस याचिका पर उन्होंने फैसला देते हुए उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति को इसको अलग बिल्कुल दूसरा मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वो घुसपैठ का मामला लेकर के, उसको बड़ा दंश जला है, इसलिए उन्होंने कहा होगा। ये बहुत इस देश के अंदर बहस का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है भारतवर्ष की संस्कृति को आप भारतीय संस्कृति कहिए, हिंदू संस्कृति कहिए, भारतवर्ष के अंदर इंडियन संस्कृति कहिए, चाहे जो भी कह लीजिए, बोध किससे होता है? जो पश्चिम की संस्कृति पैदा हुई है वो संस्कृति इस देश की रही है, जो रिलीजन उनका वहाँ रहा है वही रिलीजन, धर्म का कंसेप्ट इस देश के अंदर तो कभी नहीं रहा है। वो धर्म की व्याख्या पाठक जी से मैं चाहूँगा कि इसको व्याख्यात करें हमारे सामने, कि भाई भारतवर्ष के अंदर जो ऋषि धर्म कहता है वही धर्म इस देश के अंदर रहा है क्या? जिस रिलीजन को तुम कहते हो वही इस देश के अंदर वही कंसेप्ट है क्या? हम जब चर्चा करते हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं,
तो भारतवर्ष के अंदर भारतीय रिलीजन कहते हैं, इंडियन रिलीजन कहते हैं, ये बहुत ही गलत अनुवाद हो गया। और इसी तरह से जो राष्ट्र है उसका अनुवाद बिल्कुल ये अंग्रेजी में नेशन तो नहीं कहेंगे। अब जब हम संस्कृति शब्द कहते हैं तो उसके अंदर भी इतनी कन्फ्यूजन, इतना भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैज्ञानिक प्रयोगों को भी इस देश के अंदर कल्चर कहते हैं, वो कल्चर है क्या? यहाँ पर जाइए तो पैथोलॉजी में आपको कल्चर करते हुए मिल जाते हैं सब, यहाँ पर पैथोलॉजी सब कल्चर करते हैं, कोई यूरिन कल्चर करता है तो कल्चर नहीं हो गया। तो हम किसको कल्चर कहते हैं? हम जब भाषण देते हैं चर्चा करते हैं इंडियन कल्चर की बड़ी चर्चा करते हैं, ये किस बिल्कुल लेबोरेटरी में सिद्ध किया जा सकता है इंडियन कल्चर? उसके तो तुम कर सकते हो, उनकी कल्चर को तो वहाँ सिद्ध कर सकते हो। तो भारतवर्ष के अंदर हमको विचार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं जब चर्चा किया कि भारत की चेतना कहाँ से जुड़ी हुई थी, तो उस प्रोफेसर ने हमसे कहा कि भाई आप इस देश के अंदर ताज बीबी के योगदान को, रहीम के योगदान को इस देश के अंदर स्वीकार नहीं करते क्या? इस राष्ट्र की निर्माण में उनकी भूमिका नहीं है क्या? आप कबीर को नहीं स्वीकार करते क्या? आप रस खान को स्वीकार नहीं करेंगे, जायसी को स्वीकार नहीं करेंगे? मैंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ। 11वीं शताब्दी में इन सभी बिल्कुल लेखकों का, कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आपने इन लेखकों को, इन कवियों को पढ़ा है क्या? किसी को पढ़ा हो आप जरा बताइए? चुप हो गए? मैं तो कहता हूँ जिनके आप नाम लेते हैं उनको पढ़िए। तो उनकी चेतना भारतवर्ष की संस्कृति से जुड़ी है, भारत की चिति से जुड़ी है। भारतवर्ष का दर्शन कहता है, इस देश का ऋषि कहता है, जिसको विवेकानंद ने कहा था, एकम सद विप्रा बोधा बदंती टू थीजन से स्कॉलिस्ली, सत्य तो एक है भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्या करो। विवेकानंद ने कहा इसको, इस देश के ऋषियों का ये सूत्र है। कहाँ झगड़े हैं विचार के इस देश के अंदर? कभी उसके लिए कहीं स्थान नहीं था। और इसलिए कहा कि भाई इसके लिए झगड़े मत करना वहाँ पर। तो संस्कृति के लिए हमारे देश के अंदर कभी झगड़े नहीं किए। उसको कहा कि संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ईश्वर व्याप्त करता है, संपूर्ण चराचर जगत की अभिव्यक्ति एक ही ईश्वर के माध्यम से होती है। तो नहीं हुआ। और इसी बात को कहा कि कोई किसी मार्ग से जाओ तुम अपने इष्ट को प्राप्त करोगे, अपने अभीष्ट को प्राप्त करोगे, अपने ईश्वर को प्राप्त करोगे। हिंदू चिंतन है ये, पश्चिम के जितने सेमेटिक रिलीजन है, सामी रिलीजन है, ये उनका चिंतन नहीं है। जायसी कहते हैं, विधना के मार्ग हेते ते सरग नखत तन रोमा जेते, ये इस्लाम का चिंतन नहीं है, ये भारतीय चिंतन है। ईश्वर की प्राप्ति के उतने ही मार्ग हैं जितना आसमान में नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, कौन गिनेगा? और उतने नहीं, हमारे शरीर के अंदर जितने रोम कूप हैं, जितने रंध्र हैं, इतने ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग हैं। जायसी कहते हैं, जिस समय तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, 34 वर्ष पहले पद्मावत की रचना कर चुके थे जायसी, यानी 34 वर्ष पहले पद्मावत बड़ा है, उतना बड़ा है वो 34 वर्ष रामचरितमानस से। उसमें बिल्कुल यानी 100 बार ईश्वर के नाम लिए, और वो नूरे खुदा नहीं कहते हैं, वो परम ज्योति की चर्चा करते हैं। यानी भारत की चेतना से, जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, उससे वे भी स्वीकार करते हैं, जुड़े हुए हैं। रहीम की चर्चा करते हो, रहीम भारतवर्ष के अंदर मुसलमान थे, बहुत बड़े कवि थे, केवल कवि नहीं थे, कोमल नहीं थे, युद्ध करने वाले थे, योद्धा थे वो, बिल्कुल सेनापति थे। तुलसीदास को गिरफ्तार किया था, इतिहास के जानकार यहाँ काशी में रहने वाले जानते हैं। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस के विषय में रहीम का क्या भाव है, कल्पना करिए। वो कहते हैं कि रामचरितमानस विमल हिंदुअन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम यवनी प्रकट कुरान। ये रहीम क्या दोहा है बिल्कुल, कि रामचरितमानस तो हिंदू समाज के लिए तो ये वेद के समान है, लेकिन मुसलमान को भी इसे कुरान से कम नहीं मानना चाहिए। हाँ, क्या उनका वर्णन है। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, वो खुदा में नहीं मिलना चाहते हो, क्योंकि खुदा तो वो बिल्कुल अलग है, वो सृष्टि से बाहर है, उनके कंसेप्ट में बाहर है। वो कहते हैं कि मुझे तुम ईश्वर बनाना, लेकिन ईश्वर बनाना तो क्या बनाना? वो कहते हैं मुझे विष्णु मत बनाना, मैं कभी विष्णु नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? कहा कि जिस गंगा के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, मैं यदि विष्णु बन गया तो गंगा मेरे चरणों से निकलने शुरू करेंगी, बहना शुरू करेंगी। मैं ये नहीं चाहता कि गंगा मेरे चरणों से बहे, मुझे विष्णु मत बनाना। एक आकांक्षा है कभी की, कल्पना है वो कभी की। वो कहते हैं मुझे शिव बना देना, और शिव बनाओगे तो शिव बनते ही गंगा को मैं अपने सिर पर धारण कर सकता हूँ। वो चेतना जो इस देश के अंदर है, जो चिति है, इसके साथ जुड़ करके ही हम इस राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। ये रहीम इसको साबित करते हैं। आप इसको जानिए, इसको समझिए, बिना इसको समझे आप इस देश के राष्ट्र को नहीं समझ सकते। चांद बीबी की चर्चा करते हैं आप,
उन्होंने कहा था कि हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूँगी मैं, मीरा मानी जाती हैं उर्दू के। वो रश खान जैसा व्यक्ति वो चेनाई वंश का था, वो चेनाई वंश माने बाबर का वंश। वो कहता था कि मुझे कितना गौरव था, कितना घमंड था मेरे मन के अंदर कि मैं बाबर के वंश का हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने साक्षात्कार किया कृष्ण का, तो वरवस उसके मुंह से निकल गया कि मानुष हो तो ही रसवान, बसों बस गुरुकुल गांव के ग्वारण। हम तो गांव के ग्वारण के बीच में रहता हूँ, कृष्ण के पास रहना चाहता हूँ। पशु बनाना तो बिल्कुल, गाय बनाना कृष्ण की, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। वो भारत की चेतना यहाँ जुड़ी हुई थी, भारत की चेतना यहाँ पर है, वो उसको स्वीकार करते हैं सब। कबीर जब कहते हैं कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, तो ये भारतीय चेतना है, वहाँ की चेतना इसको अस्वीकार करती है। और इसीलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत की जो चिति है, भारत की भूमि से, भारत की संस्कृति से, भारत की चेतना से जुड़ करके ही इस राष्ट्र की व्याख्या कर सकते हैं, और इसलिए इस देश के विराट की चर्चा करना। तो भारतवर्ष के अंदर, और केवल हम जब चर्चा करते हैं तो केवल प्राचीन लोगों की चर्चा करते हैं, वहाँ नहीं है। मीर तकी मीर जैसा व्यक्ति कहता है, वो कहते हैं कि उसके फरोगे हुस्न से झमके हैं सब चराग, समा हरम हो या दिया सोमनाथ का। कभी महफिल में हो आओ, कभी मस्जिद में हो आओ, कभी मंदिर में हो आओ, कि मकसद तो उसे पाना है, किसी महफिल में हो आओ। ये इस्लाम का मुसलमान कभी भी भारतीय चेतना को स्वीकार करता है, ये भारतीय चिति, ये भारतीय चेतना है, इसको स्वीकार करते हुए इस देश का ऋषि, इस देश के राष्ट्र का अधिष्ठान रखा है। और इसलिए हमको राष्ट्र के विषय शोध चलना चाहिए, चर्चा चलनी चाहिए। ये विडंबना इस देश के अंदर है कि भारतवर्ष के अंदर हमने मान लिया कि पश्चिम के कारण इस देश के अंदर सारी चीज़ें और उन्हीं की दृष्टि से इस देश के अंदर परिभाषित करने की चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो प्रार्थना ही करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जो प्रशासन की, शासन की पद्धतियाँ रही हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में डीन के नाते माननीय राम प्रवेश जी पाठक लड़कों को तैयार करें, बिल्कुल इस पर तुम शोध करो। मैं समझता हूँ बच्चे कहते हैं कि भारत, यहाँ पर हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब चर्चा चलती है तो भारतीय प्रशासन की चर्चा नहीं चलती है, ले देकर के एक प्रोफेसर हमारे पास हैं, भगवान को उम्र दराज करें, उम्र उनको दें, वो आरपी पाठक हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसे 10-20 ऐसे शोध यहाँ पर होने चाहिए भारत के राष्ट्र के विषय में, भारत की आत्मा का एक्सप्लोरेशन। भारत ईश्वर को खोजा नहीं जा सकता है, उसका उत्खनन करना पड़ता है, और उत्खनन करने के लिए अपने हृदय में कुदाल लेकर के उतरना पड़ता है। भारत की संस्कृति को अपने हृदय में उतर करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अंतिम एक वाक्य कह करके मैं बात समाप्त करता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बहस चल रही थी, सोमनाथ चटर्जी उस समय पार्लियामेंट में लोकसभा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज को उन्होंने रोका कि सुषमा जरा रुको, तुमसे बातचीत करनी है। क्या क्या करनी है बातचीत, उनका सम्मान तो सब लोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सब बातें मेरी समझ में आती हैं, तुम बहुत अच्छा भाषण देती हो, बहुत मेरे हृदय में उतर जाती हैं, लेकिन तुम्हारा जो राष्ट्रीय, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये मेरी समझ में नहीं आता है, ये क्या है। तो उसने हंस करके सुषमा जी ने कहा कि सोमनाथ जी, भारत के सबसे दूर, अब उसके बाद भारत समाप्त हो जाता है, आसाम का सबसे बॉर्डर का क्षेत्र है, उसका एक जगह है तेजपुर नाम है, तेजपुर के बाद भारत नहीं है। तेजपुर में एक व्यक्ति पैदा होता है, उसका नाम निर्मल चटर्जी है। निर्मल चटर्जी के घर में बड़ा एक होनहार छोटा सा बालक पैदा होता है, और उस बालक का नामकरण संस्कार क्या किया जाए, तो कोई आसामी नाम नहीं रखता है, कोई चाइनीज नाम नहीं रखता है, तो वो रखता है भारत के सबसे दूर में बिल्कुल बैठा हुआ व्यक्ति है, वो देवता है सोमनाथ, उसका नाम रखता है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसी को आपको समझना है। भारत उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, इसी रूप से संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यदि इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इसको हम खोजते हैं, क्योंकि बिना अपने बींगनेस को जाने, बिना अपने आप को एक्सप्लोर करे, भारत की आत्मा को, भारत की चिति को और भारत के विराट को हम प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ सब विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं, सोते सोते भी सुनते रहते हैं हमारे राकेश जी, आप इस पर शोध करेंगे, खोज करेंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करके आप सबको प्रणाम करके अपनी बात में समाप्त करता हूँ।